कालांवाली जेजेपी के सरकार बनने पर घग्गर का पानी चैनल बनाकर पूरे कालांवाली हलके के गांव के खेतों तक पहुंचाया जाएगा ताकि सभी किसानों को पूरा पानी मिल सके। ये काम सरकार बनते ही सबसे पहले किया जाएगा। ये बात इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने अनाज मंडी में लोगों को संबोधित करते हुए कही। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वर्तमान समय में एक दुष्यंत नहीं बल्कि 10 दुष्यंत लोकसभा में भेजने का समय है ताकि सभी मिलकर प्रदेश की मांगों और समस्याओं को लोकसभा में उठा सकें और हरियाणा प्रदेश का पूरा हक ले सकें। प्रदेश का सभी क्षेत्रों में संपूर्ण विकास हो और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार पर दबाव बन सके। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि मैं तुझे देख लूंगा, तुम मुझे देख लेना। इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति में तो सिर्फ विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के प्रति सम्मान हो जाए। अगर किसी ने कोई गलती की तो कानूनी प्रतिक्रिया है, मैं तुम्हें देख लूंगा तो माफिया का राज नजर आता है। अचल प्रजातांत्रिक प्रणाली में माफियों के राज की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे चौक पर देख लूंगा। ऐसी राजनीति का समय जा चुका है, भविष्य में ऐसे राजनेताओं की कोई जरूरत नहीं। कालांवाली से चरण सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। ये इस तरह की बातें तो हम अमरीश पुरी की पिक्चर में सुना करते थे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे देख लेना। ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति में विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। राजनीति के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। किसी ने अगर कोई गलती की है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया है। मैं तुम्हें देख लूंगा तो माफिया का राज नजर आता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में माफिया के राज की कोई जगह नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देख लूंगा या मैं उसको चौक पर देख लूंगा, ये राजनीति लंग चुकी है, ये बीत चुकी है। ये समय अब भविष्य में ऐसे राजनेताओं की कोई जगह नहीं है। करेंगे महिलाओं के लिए तो एक नहीं बल्कि दो टिकट देंगे, दो से भी ज़्यादा टिकट दे सकते हैं, आप बेचिंता रहो। उसमें चाहे नैना जी को चुनाव लड़े या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, पार्टी की सीनियर कमेटी को फैसला करना है। हम उनकी कृष्ण बेदी ने बोला है कि इनेलो मैंने 3 साल पहले बोल दिया था कि टूट चुके हैं और आज इनेलो सत्ता के लिए नहीं, प्रदेश की सेवा के लिए नहीं बल्कि जो धन इन्होंने जोड़ा था सरकार में उसको बांटने और बटोरने की लड़ाई है, वो लड़ रही है। तो इनेलो तो उनके साथ जाना चाहती है, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इनेलो तो एक सीट पर और 15 विधानसभा की सीटों पर समझौता भी करना चाहती है उनके साथ। वो थोड़े दिन पहले कहते थे जजपा क्या है ये मुझे पता ही नहीं, कम से कम वो पहचानने तो लगे जजपा को। तो इसका मतलब ये तय है कि उनके मन की बेचैनी और उनके ट्वीट की ये परेशानी नजर आ रही है। वो तो सीट बदलना चाहते हैं, करनाल जाना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला का जो नेतृत्व हिसार के लोगों को मिला, दुष्यंत तो लाखों मतों से इस बार जीत करके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के सिख समाज की बहुत बड़ी मांग है, लंबे समय से उठती आई है। और रिलीजियस मामलों में पॉलिटिकल अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ के सरदारी की एक जो 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 मांग है लंबी, उसको माना जाना चाहिए, मगर वो सबको साथ लेकर के रिलीजियस तौर पे होना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल लोगों की राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये धार्मिक मामले हैं और धार्मिक तौर पर इनका फैसला होना।